सर, महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन ये योजना शुरू की है और चुनाव को सामने रखकर ये योजना शुरू की है और बहनों के अकाउंट पे 1500 रुपए डाले जा रहे हैं, तो इस योजना का महाराष्ट्र स्टेट पे कैसा असर होगा, अच्छा या बुरा? प्रवीण गांगुर्डी जी, आपने जो पूछा लाडली बहना के बारे में, ये बात सही है कि इलेक्शन देखकर ही इस सरकार ने ये योजना शुरू की है। पहले 3 हफ्तों के पैसे 1500 से यानी 4500 अकाउंट में डाले गए हैं, अभी वो एडवांस में अक्टूबर और नवंबर के पैसे डालने की बात कर रहे हैं, यानी करीबन 3000 रुपए और डालने की बात कर रहे हैं, ताकि 5 महीने के पैसे उनके पास जाएंगे। तो ये सभी लाडली बहना अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं वो बीजेपी प्रणित ये जो महायुति है उसको वोट देंगी, ऐसा उनको लगता है। अब इसके दो हिस्से, ये बात तो सही है कि सही माने में ये योजना केवल चुनाव देखकर चुनाव में इन बहनों का वोट प्राप्त करने के लिए शुरू की गई। पहले ही महाराष्ट्र सरकार कर्जे में डूबा हुआ है, 8 लाख करोड़ का कर्जा इस गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र सरकार पर कर दिया है। ऐसे स्थिति में ये पैसे का वेस्टेज करना अच्छा है या बुरा है, ये सोच पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई है, लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें दो हिस्से हैं, ये बात सही है कि इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार को और बड़े पैमाने पर कर्जा उठाना पड़ने वाला, यानी सरकार बड़े पैमाने पर कर्जे के तले दबने वाला है। लेकिन ये वेस्टेज ऑफ मनी है क्या, ये पैसों की बर्बादी है क्या? सबसे पहली बात हमने ये समझ लेनी चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट ने, केंद्र ने 16 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट्स के, 16 लाख करोड़ कॉरपोरेट्स के माफ किए, ब्याज मिलाकर यह पैसा करीबन 30 लाख करोड़ तक का होता है। यह पूरा का पूरा पैसा वेस्ट है, जो जनता के पॉकेट से गया है और जनता के पॉकेट से ही फिर से वो जनता को देना पड़ने वाला है। लेकिन जब इस जैसी योजना होती है जिसे हम लड़की बहना योजना कहते हैं, इसमें जो स्त्रियां हैं उनमें 40% स्त्रियां करीबन गृहिणी स्त्रियां हैं जो एक पैसा कमाई नहीं करती है, उनके बैंक अकाउंट में जब 1500 रुपए आएगा तो उनके लिए वो बहुत बड़ी सम्मान की बात होगी, उनके लिए अमाउंट बहुत बड़ा है, साल में करीबन 18000 रुपए उनको मिलने वाले हैं। तो ये उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके खुद के अस्तित्व के लिए भी बहुत महत्व की बात है। जो करीबन 60% औरतें हैं जो खुद मोल मजदूरी करती है, खुद कमाई करती है, उनके लिए भी 5-6 दिनों की मजदूरी ये कम से कम होगी, इसलिए उनके लिए भी ये महत्व की बात है। तो साइकोलॉजिकली इसका फायदा गवर्नमेंट को मिलने की उम्मीद जो लगाई जा रही है वो गलत नहीं। लेकिन इसका आर्थिक पहलू हम देखेंगे, जब पूरे देश में और राज्य में रोजगार उत्पन्न होना बंद हो जाता है, एक पूरी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी कुंद हो जाती है कि जिसमें कोई रोजगार की निर्मिति नहीं हो रही, अगर रोजगार की निर्मिति नहीं होगी, लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे कम, खरीदेंगे कम तो रोजगार ज्यादा निर्माण नहीं होगा, ये पूरा अर्थव्यवस्था का तंत्र इसी ढंग से चलता है। ऐसे स्थिति में जो लोग कल्याणकारी राज्य होते हैं वो क्या करते हैं कि वे हमेशा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के कोई ना कोई उपाय सोचते हैं। अब हम नौकरियां तो दे नहीं सकते लोगों को, नौकरियां दे नहीं सकते, लोगों की क्रय शक्ति इस मार्ग से नहीं बढ़ सकती है, तो दूसरा मार्ग होता है कि सरकार खुद कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे डाल दे, उन लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिन लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी वो और ज्यादा खरीद करेंगे। अभी ये जो स्त्रियां हैं, ये स्त्रियों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, ये स्त्रियां खुद तो शराब पीने वाली नहीं है, ना ही जुआ खेलने वाली है, इनमें से 99% स्त्रियां, ये जो पैसा उन्हें प्राप्त होने वाला है सरकार की ओर से, वो कोई ना कोई अपने गृहस्थी के लिए आवश्यक चीजें खरीदने के लिए खर्च करेगी, आसपास की चीजें खरीदेगी, शायद हो सकता है दूध खरीदेगी ज्यादा, घी खरीदेगी, हो सकता है तेल ज्यादा खरीदेगी, हो सकता है कि सब्जियां खरीदेगी, कुछ कपड़े खरीदेगी, घर गृहस्थी के लिए आवश्यक चीजें खरीदेगी। हमारे देश में
डीमोनेटाइजेशन के बाद में जब हमने 500 और 1000 रुपए की नोटों की बंदी कर दी थी अचानक से 4 घंटे के नोटिस पर, उसके बहुत बुरे परिणाम हुए हैं। पूरे देश में छोटे रोजगार मारे गए हैं, छोटे मोटे व्यवसाय बंद पड़ चुके हैं, वे अभी तक खड़े नहीं हो पाए। शायद ऐसी योजनाओं के माध्यम से जो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण लोग खरीदना शुरू करेंगे, ये महीना खरीदना शुरू करेंगे, इससे 2-3 साल में हमें देखने को मिलेगा कि छोटे मोटे रोजगार बढ़ रहे हैं, आसपास के व्यवसाय बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो कोई अमेजोन से खरीदने वाले नहीं है, डीमार्ट से खरीदने वाले नहीं है, टीवी और फ्रिज तो खरीदने वाले नहीं है, छोटी मोटी चीजें खरीदेंगे, छोटे मोटे दुकानदार उससे बढ़ेंगे, छोटे मोटे व्यवसायी उससे बढ़ेंगे, उनके लिए रोजगार का अवसर निर्माण होगा और इसलिए समाज में रोजगार बढ़ेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा कदम हो सकता है। चाहे बीजेपी प्रणित यूपी सरकार ने भी ये निर्णय लिया है, इसके बावजूद इसका स्वागत हमने करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र लोकसभा इलेक्शन के पहले जाहिर किया, उसमें उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत हम 1 लाख रुपए स्त्रियों के अकाउंट में डालेंगे, यानी करीबन 8,000 रुपए की ऊपर ये रकम हो जाती है, 8,500 तक की रकम हो जाती है। अब केंद्र के पास जितना पैसा होता है उतना पैसा तो होता नहीं है स्टेट के पास में, लेकिन कांग्रेस प्रणित सरकारें जो है उसमें कर्नाटक में वो 2,000 रुपए हर माह में दे रहे हैं, इतना ही नहीं तो तेलंगाना में 2,500 रुपए दे रहे हैं। अभी हरियाणा के जो चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि हम 2,000 रुपए देंगे महिलाओं को। महाराष्ट्र में मैंने कांग्रेस नेताओं के साथ में बातचीत की, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चव्हाण, इन्होंने ऐसा कहा है कि हम 2,000 रुपए देने की सोच रहे हैं। जो विरोधी पक्ष नेता है महाराष्ट्र के वडेट्टीवार, उन्होंने तो कहा है कि हम 3,000 तक की बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि हम 3,000 रुपए लड़की बहनाओं को देंगे। तो इसलिए मैं ऐसा आह्वान करता हूं महाविकास आघाड़ी को, और मैंने उद्धव जी से भी विस्तार से इस बारे में बात की, उनके सामने भी ये जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो चीजें उनके सामने भी रखी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी ने ऐसा कहना चाहिए कि ये जो लाड़की बहना योजना है वो हम भी चुन के आने के बाद में हमारी सरकार बनने के बावजूद ये योजना कायम रहेगी, उल्टा 1,500 रुपए जो हम दे रहे हैं ये लोग अभी के, उसके बजाय हम इससे ज्यादा पैसे देने वाले हैं, शायद हो सकता है 2,000 रुपए हो 2,500 रुपए हो। महाविकास आघाड़ी ने ये जाहिर करना शुरू करना चाहिए, इस पर इसकी आलोचना करने के बजाय हमने ये कहना चाहिए कि ये लाडली बहना जो है ये और ज्यादा लाडली होने वाली है। अभी के जो इनके भाई है जो इनको धमकियां देते हैं, जैसे महेश राणे नाम के एक MLA है, उन्होंने डायरेक्टली धमकी दी लड़की बहनाओं को कि देखिए याद रखिए सबकी यादियां मेरे पास है, जब भी चुनाव होगे और आपने मुझे मत नहीं दिया ऐसा हो गया तो आपके नाम काटे जाएंगे। ये सीधी सीधी धमकी है भाई, ये अधिकार तुमको किसने दिया? ये पैसे अपने जेब में से दे रहे हो क्या? ये जनता के पैसे जनता को दिए जा रहे हैं, इसमें आप इस ढंग की धमकी कैसे दे सकते हो? दूसरे हमारे एक अमरावती के MLA है रवि राणा, उन्होंने तो एकदम उल्टी धमकी दे दी, अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपसे पैसे वापिस लेंगे। तो ये इस ढंग के जो ये बहुत धमकी देने वाले भाई हैं, बहुत ही गुस्सेल भाई हैं, या फिर बहुत घर से जीने वाले भाई हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। जो नम्र भाई है महाविकास आघाड़ी के, उनको आपने वोट देना चाहिए और आपकी ये योजना कायम रहेगी, इससे आपके पैसे बढ़ेंगे, ऐसा आश्वासन महाविकास आघाड़ी ने देना चाहिए। इससे महाराष्ट्र सरकार का जो कर्जा बढ़ेगा ये बात तो सही है, लेकिन उसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को चालना मिलेगी। इसलिए ऐसा कदम उठाना सरकार के लिए ऐसे समय में आवश्यक हो जाता है, इसलिए इस लाड़की बहन योजना का हमें समर्थन करना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।